नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पे सभी का स्वागत है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर ये आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पर सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती का है। इसी के आधार पर हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा पहला वीडियो है और पहले वीडियो में होगा राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु में भारत, विश्व और राजस्थान आपका तीनों कंप्लीट हो जाएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या है 109 प्रश्न आपको कंप्लीटली करने होंगे दोस्तों यहाँ पर। साथ में इसमें वो प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो कि 2018 से लेके और 2000 यानी कि 10 तक आरपीएससी में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो आपके सम्मिलित किए गए हैं। साथ में आपके पूरे कॉन्सेप्ट आपका कवर किया गया है। जो आपका सिलेबस है सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती के लिए दोस्तों यहां पर ये आपका सिलेबस है जो आप में इसमें देख सकते हो। राजस्थान जीके के इसमें 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 80 अंकों के होंगे। तो यहां पर आपको ये 80 अंक लेकर आना है दोस्तों यहां पर, अगर सिलेक्शन पाना है तो। यहां पर आज से स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर, तो एक बार लाइक कीजिएगा। उसमें देखिएगा दोस्तों यहां पर राजस्थान के जीके के अंतर्गत राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की राजव्यवस्था, ये चारों कॉन्सेप्ट है यानी कि चारों टॉपिकों के प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपके कवर करवाए जाएंगे यहां से आपके। यानी कि 40 प्रश्न का मतलब है कि 80 नंबर आपके आने वाले हैं यहां से। उसके बाद देखिएगा ये आपका करेंट अफेयर का होगा जिसमें आपसे 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 20 अंकों के होंगे। सेकंड ग्रेड की बात हो रही है दोस्तों यहां पर। इसके बाद देखिएगा दोस्तों यहां पर यानी कि जो इसके बाद विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, इसमें 30 क्वेश्चन जो कि 60 अंकों के होंगे। इसके बाद जिसमें ये कॉन्सेप्ट सम्मिलित किए गए हैं और इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन जो कि यहां पर 40 अंकों के आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अंक राजस्थान जीके के इसमें आने वाले हैं यहां पर, तो तैयार हो जाएगा। सबसे पहले तो हम उन प्रश्नों की बात कर लेते हैं जो कि शिक्षक भर्ती, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पूछे गए अब तक के सारे क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया था कि राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 का क्वेश्चन आपके सामने है। अरावली के पूरब में, हाड़ौती एवं भौराट पठारों के बीच में, दक्षिणी राजस्थान में या फिर अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच में, तो आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा सभी का। यहां पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। यानी कि इस प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है, स्टेपी प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है वो अरावली पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच में ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, कॉपिन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 का क्वेश्चन है यहां पर, तो बताना होगा राइट आंसर। आपका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो यहां पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है यहां पर। कौन कौन से, यानी कि जो उत्तरी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं दोस्तों यहां पर, जिसमें बीकानेर हो जाएगा, गंगानगर हो जाएगा, हनुमानगढ़ हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, इसमें BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 कहां आयोजित हुआ था। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 का क्वेश्चन आपके सामने है, पेरिस में, जिनेवा में, बॉन में या फिर केटोपाइस में, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा केटोपाइस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय 2018 में ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया था, जलवायु से संबंधित पूछा गया था कि जो सम्मेलन परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन हुआ था वो कहां पर आयोजित हुआ था, तो यहां पर केटोपाइस में हुआ था दोस्तों यहां पर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, विश्व के किस प्रदेश में गरजते चालीसा चलते हैं, बताएगा, बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर। गरजते चालीसा किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताएगा। देखिएगा 10 डिग्री दक्षिणी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य चलते हैं या फिर 40 डिग्री उत्तरी से ये 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य चलती है या फिर 40 दक्षिणी 50 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य चलती है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि गरजता चालीसा कहा जाता है क्योंकि ये 40 डिग्री दक्षिण में ये हवाएं चलती है। और कहां पर चलती है आपको पता है, विश्व में आपको पता है एशिया महाद्वीप है, इधर अफ्रीका
महाद्वीप है, इधर यूरोप महाद्वीप है, यानी कि इस तरह से यानी कि विश्व पूरा फैला हुआ है। उसके दक्षिण में यानी कि जो ये दक्षिणी डिग्री देश, दक्षिण डिग्री जो काल्पनिक रेखा है, यहां पर गरजता चालीसा हवाएं चलती है। इनका मुख्य कारण क्या है, इससे लाभ क्या होता है, जो बड़े बड़े जलयान चलते हैं दोस्तों यहां पर, यानी कि जो यानी कि पूरब की तरफ जाते हैं यानी कि सामग्री वस्तु आयात ले जाने के लिए, तो ये गरजते हुए चालीसा में पड़ जाते हैं, तो उनकी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ जाती है, तो इससे उनको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है। यानी कि वो इस तरह से चलती है, यानी कि जो हवाएं चलती है तेज रफ्तार से चलती है यहां पर, जिसको गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है। अगर इन हवाओं के बीच में कोई जलयान आ जाता है तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिक तेज हो जाती है यहां पर, तो इनके लिए ये लाभदायक है। अगला क्वेश्चन, ये 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान में बाष्पीकरण की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है, बताइएगा। 2018 का क्वेश्चन आपके सामने है। गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर, जैसलमेर, आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 2018 में इतने क्वेश्चन एक टॉपिक से पूछ लिए हैं। दोस्तों ये जो आपके पेपर हुए थे 2018 के, जिसमें संस्कृत का अलग हुआ था, जिसका जो फर्स्ट पेपर था जीके का वो अलग हुआ था, किसी और सब्जेक्ट का अलग हुआ था, टीएसवी क्षेत्र का अलग हुआ था, उसके प्रत्येक पेपरों के क्वेश्चन जलवायु वाले चैप्टरों से आपके सामने आ चुके हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान में कौन से जिले आर्द्र जलवायु दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, बताइएगा। राइट आंसर दीजिएगा इसका, बिल्कुल सही आंसर, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है, बताएगा। ये 2016 है, सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 का क्वेश्चन है आपके सामने, कि राजस्थान में जो सर्दियों में बरसात होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, काल वैसाखी, आम्र वर्षा, मावट या फिर नवचेष्टा, तो उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मावट के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहां पर द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2010 में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों, वो भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समरेखा बनाती है, बताइएगा। 2016 का क्वेश्चन है आपके सामने, 40 सेमी, 50 सेमी, 80 सेमी या फिर 25 सेमी, तो आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 40 सेमी, ये बनाती है रेखा बनाती है एक, इसका ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महावट वर्षा निम्न में से महावट वर्षा जिनसे होती है वह है, बताएगा यहां पर सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 का क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, लौटता मानसून, पश्चिमी प्रक्षोभ या फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून, आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी प्रक्षोभों से ये बरसात होती है, यानी कि भूमध्य सागरों से जो पवने आती है दोस्तों यहां पर भारत की तरफ आती है, वो मानसून लेकर आते हैं, और यहां पर जो शीतकाल में जो बरसात होती है उत्तरी भारत में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यहां पर नोएडा, दिल्ली, यानी कि इन क्षेत्रों में ये सबसे ज्यादा बरसात महावट होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान में मरुस्थलीय जलवायु के लिए कॉपिन ने किस कूट का प्रयोग किया था, बताएगा। कॉपिन की जलवायु का वर्गीकरण आपके सामने आता है, चाहे आप किसी ना किसी एग्जाम में देख लो दोस्तों यहां पर, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, किसी की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, BW HW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और ये प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है ये भी ध्यान रख लेना, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान की जैसलमेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, इन जिलों में ये, बाड़मेर, इन जिलों में ये प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि 1000 मिमी बार की सम दाब रेखा जुलाई माह से गुजरती है, आपको पता है तो बताना होगा ये यहां पर किन जिलों से ये गुजरती है, क्योंकि 1000 मिली बार वर्षा होती है उन जिलों में, सबसे ज्यादा बरसात होती है उन जिलों में, वहां से ये रेखा गुजरती है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा सभी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़, आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ
कहां हुआ था बताएगा। 2010 का क्वेश्चन है यहां पर, देखिएगा ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में जलवायु परिवर्तन से सम्मेलन से संबंधित आपसे पूछा गया था। कब हुआ था, इसका कारण बताएगा, क्यों हुआ था, कारण क्या था। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 से 19 दिसंबर 2009 में यह हुआ था। और देखिएगा आपकी जो एग्जाम हुई थी वो 2010 में हुई थी, यानी कि दिसंबर में ये सम्मेलन हुआ था, 10 में एग्जाम हो चुकी थी, तो करंट का क्वेश्चन जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे करंट में बना दिया है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो मुख्य कारण क्या था, जो ग्रीन हाउस गैसों का यानी कि क्षेत्र है उनको कम करने का लक्ष्य इसमें रखा गया था 2020 तक, यानी कि 34% रखा गया था यहां पर, कि जितना हो सके सभी देश यानी कि इन गैसों का प्रयोग सबसे कम करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है बताएगा, अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है बताना होगा। सेकंड गेट भर्ती यहां पर 2010 का क्वेश्चन, झालावाड़, जोधपुर, जयपुर या फिर प्रतापगढ़। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, जहां पर अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानसून शब्द किस फारसी भाषा के शब्द से बना है, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2010 का क्वेश्चन, फारसी, जर्मनी, अरबी या फिर अंग्रेजी। तो ये किसका शब्द है बताना होगा राइट आंसर, मानसून। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अरबी भाषा का ये शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है बताना होगा, 2010 का क्वेश्चन है यहां पर, उत्तरी पूर्वी हवाओं से, सहवनीय धाराओं से, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से, उत्तरी पश्चिमी हवाओं से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी हवाओं से। ये यहां पर सर्दियों में जो बरसात होती है उसको मावठ कहा जाता है, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों यहां पर, चाहे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती किसी में भी आता है, वो कहां से आता है आपको पता है, एक तो आपसे मावठ से संबंधित क्वेश्चन घुमा फिराकर आपसे पूछ सकता है, एक आपसे जो कॉपिन का जलवायु वर्गीकरण है उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों यहां पर, यहां से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, चाहे आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड का पेपर उठा के देख लो दोस्तों यहां पर, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, सामान्यतः राजस्थान की जलवायु को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2010। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 5, आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य का आद्र जिला कहलाता है बताना होगा, आद्र जिला कौन सा है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ या फिर बांसवाड़ा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झालावाड़ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानसून है बताना होगा, मानसून की परिभाषा आपसे पूछ लेता है, ध्यान रखना तो इसका बहुत जरूरी है, ये मानसून है मौसमी हवाएं, जो मौसमी हवाएं होती है उसको ही मानसून कहा जाता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, पश्चिमी प्रक्षेप के कारण राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा कहलाती है, ये क्वेश्चन देखिएगा 2016 में आपसे पूछ लिया है, 2010 में ये आपसे पूछ लिया है, वो ही द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में। तो कावट, रेवट, महावट या फिर जीवट, देखिएगा ऑप्शन को किस आधार पर बनाया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महावट के नाम से इनको जाना जाता है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले पहुंचता है बताइएगा, कहां पर पहुंचता है बताना होगा राइट आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल में पहुंचता है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये तो हुए आपके सारे क्वेश्चन जो कि सेकंड ग्रेड भर्ती में आपसे अब तक की जितनी भी भर्ती हुई है उनसे पूछे गए हैं दोस्तों यहां पर। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि यहां की जो जलवायु है वो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश वाला क्षेत्र ये है, और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश वाला ये है, और यहां पर देखिएगा उप आद्र जलवायु वाला जो अरावली पर्वत का क्षेत्र है वो है, और यहां अति आद्र जलवायु का है जो ब्लैक वाला जो क्षेत्र है, ये वाला अति आद्र जलवायु जहां पर बरसात सबसे अधिक होती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर बार क्वेश्चन पूछता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों यहां पर, ये कॉपिन की जलवायु वर्गीकरण के आधार पर क्षेत्रों को बांटा गया है वो है। देखिएगा BW HW दो क्वेश्चन आपसे सेकंड ग्रेड में पूछे गए थे कि किस किस को किस जिले के नाम से जाना जाता है, तो देखिएगा ये जिले आ जाते हैं इसमें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। BSHW यानी कि जो जलवायु है अर्ध शुष्क जलवायु वाला प्रदेश है वो इसके अंतर्गत आता है यहां पर।
और जो उपाद्र जलवायु है वो सी डब्ल्यू और जी के नाम से इसको जाना जाता है, और अति आद्र जलवायु है वो ए डब्ल्यू के नाम से जाना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें। अब स्टार्ट कर लेते हैं यहां से। एक बार लाइक कीजिएगा, जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है प्लीज एक बार लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों यहां पर ये आप लोगों के लिए मेहनत है दोस्तों यहां पर हमारी। अब देखिएगा यहां पर एक बार लाइक कर लो, सब्सक्राइब का बटन दे रखा है दोस्तों यहां पर, क्योंकि सेकंड ग्रेड की जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की जितनी भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हो, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं क्वेश्चन और वीडियो। अरावली क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत क्या है बताइएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 80 सेमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है बताइएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समरेखा वर्षा कहलाती है, 50 सेमी है, 25 सेमी है, 150 सेमी है या फिर 100 सेमी है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 सेमी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केवला देव घना पक्षी अभ्यारण राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत स्थित है, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मरु राष्ट्रीय अभ्यारण है वो किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो वो आता है शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, वो भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर राजस्थान की जलवायु की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है बताइएगा, अति आर्द्र जलवायु, शुष्कता, खंड वृष्टि, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 3000 मिमी वर्षा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अति आद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं जहां पर अति आद्र जलवायु होती है, सबसे ज्यादा बरसात होती है, अलवर, भरतपुर, भरतपुर धौलपुर, बूंदी सिरोही, झालावाड़, बांसवाड़ा, आपका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ और बांसवाड़ा, आपका राइट आंसर हो जाएगा अति आद्र जलवायु वाले जिले हैं दोनों ही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में दोगड़ा किसे कहा जाता है बताइएगा, दोगड़ा, दोगड़ा के बारे में जानते हो क्या, आपका राइट आंसर हो जाएगा मानसूनी पूर्वी वर्षा को दोगड़ा के नाम से, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है बताइएगा, सबसे कम और सबसे अधिक वर्षा वाला, यानी कि जो उतार चढ़ाव रहता है, यानी कि सबसे कम बरसात होती है और यहां पर तापमान भी अधिक रहता है, कौन सा जिला है, आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर जिला है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब की बार तो जोधपुर संभाग ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं वर्षा के क्षेत्र में, सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है इन जिलों में, जैसलमेर में, जोधपुर में, इन सभी जिलों में सबसे भयंकर बरसात होती है, जो कि 78 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान में सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है बताएगा, जो कि राजस्थान के टच में है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है बताएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र हो जाएगा, इसका सही है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हो जाएगा यहां पर, यानी कि यहां पर जो बाजरे की फसल है, जो खरीफ की फसल है, वो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो राइट आंसर दे दीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो यहां पर, अरावली का दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है, ध्यान रखना कभी जिला पूछ लेता है कभी स्थान आपसे पूछ लेता है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट आबू हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले मानसूनों की उत्पत्ति होती है, कहाँ से होती है, अरब सागर से, भूमध्य सागर से, बंगाल की खाड़ी से या फिर मानसून हवाओं से,
ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागर आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसून पवनों से होती है, बताना होगा सबसे ज्यादा जो बरसात होती है राजस्थान में, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में शीतकाल में सर्वाधिक ओलावृष्टि किस जिले में होती है, सीकर, अलवर, गंगानगर या फिर जयपुर, आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है, बताएगा सबसे ज्यादा आर्द्रता रहती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कोटा संभाग हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक बाष्पीकरण दर वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा बाष्पीकरण होता है जिस जिले में, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में, क्योंकि जैसलमेर में सबसे अधिक तापमान पड़ता है और वहां पर बाष्पीकरण की जो दर है वो सबसे अधिक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सबसे कम बरसात होती है, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या फिर कोटा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सबसे कम बरसात होती है जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जलवायु की दृष्टि से अधिकांशतः राजस्थान स्थित है, बताना होगा कौन सी जलवायु में अधिकांशतः राजस्थान स्थित है, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंध, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेगिस्तान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है, बताना होगा किस परिस्थितियों में ये धूल भरी आंधियां चलती है, निम्न वायुदाब की स्थिति के कारण, अधिक वायुदाब की स्थिति के कारण, अति तीव्र गामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति के कारण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर निम्न वायुदाब की स्थिति के कारण, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि धरातल पर निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है मई और जून महीने में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का कारण क्या है, बताइएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेतीला धरातल होना, क्योंकि रेतीला जो धरातल होता है वो बहुत जल्द ठंडा हो जाता है, बहुत जल्द गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवन किस महासागर से आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये महासागर ध्यान रखना, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोपिन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, बताइएगा, मैंने स्क्रीनशॉट बताया था आप देख सकते हो उसको, स्क्रीनशॉट को और आंसर दे सकते हो, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर, नागौर, जोधपुर और सीकर, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोपिन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में राजस्थान के कौन सा सुमेलित नहीं है, बताएगा, ये कोपिन की जलवायु का वर्गीकरण क्षेत्र है दोस्तों, यहां पर इनमें से आपको गलत जोड़ा पहचानना है, तो गलत जोड़ा जो है दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा CWG प्रकार की जो जलवायु है वे यहां पर गलत है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला सही है। यहां पर देखिएगा, AW पाई जाती है दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, BW पश्चिमी राजस्थान में है और BS अर्धशुष्क क्षेत्र में है और ये उत्तरी राजस्थान में नहीं है, CW वाली ये उत्तरी यानी पूर्वी राजस्थान में है, CWG वाली जो जलवायु है वो पूर्वी राजस्थान जिसमें करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, बूंदी, टोंक, जयपुर जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है, बताएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना, औसत वार्षिक वर्षा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 57.51 सेमी होती है औसत वार्षिक वर्षा है पूरे राजस्थान की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किन जिलों में कम वन है, बताएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर और यहां पर चूरू जिले में सबसे कम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जिला आद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कितना सेमी बरसात होती है,
ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 से 50 सेमी वर्षा होती है जहां की जो जलवायु है अर्ध शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान, जहां पर 25 से 50 सेमी बरसात होती है बस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला रेगिस्तानी क्षेत्र में नहीं आता है, बताइएगा, नागौर, बीकानेर, दौसा या फिर जालौर। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा जालौर, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर सेवन घास मुख्य रूप से किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है, बताइएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, ऑप्शन आपके सामने है बांसवाड़ा। पूर्वी राजस्थान की जलवायु है, बताना होगा पूर्वी राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र जलवायु है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में 100 सेमी से अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, जहां पर 100 सेमी से अधिक बरसात होती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोपिन के अनुसार भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, बताएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 भागों में बांटा गया है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, ऑप्शन आपके सामने है पवनों की दिशा में परिवर्तन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर समय पवनों की दिशा में परिवर्तन होता रहता है भारत में, क्योंकि आपको पता है शीतकाल में धरातल से समुद्र की ओर पवने चलती है और यहां पर ग्रीष्म काल जो वर्षा ऋतु होती है वो जो समुद्र से स्थल की ओर पवने चलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनों से बरसात नहीं होती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है, ऑप्शन आपके सामने है केरल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, बताएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें यहां पर गुजरात आ जाएगा, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र आ जाएगा, पंजाब का पश्चिमी क्षेत्र आ जाएगा, हरियाणा का पश्चिमी क्षेत्र आ जाएगा जो कि पाकिस्तान से टच में है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ति मानसून का अधिक प्रभाव होता है, प्रत्यावर्ति मानसून यानी कि लौटता हुआ मानसून कहा जा सकता है उसको, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब या फिर तमिलनाडु, तो सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है तमिलनाडु में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सबसे भयंकर बरसात होती है लौटते हुए मानसूनों से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है, बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेह में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भागों से कटिबंध में स्थित है तथा संपूर्ण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंध में है, इसका कारण आपको बताना है, तो इसका कारण हो जाएगा यहां पर जो ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणी है वो उत्तर से जो ठंडी हवाएं आती है वो रक्षा करती है यहां पर इस क्षेत्र की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिणी भारत को किस प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है, बताना होगा यहां पर किस प्रकार की जलवायु है, तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्ण प्रदेश जलवायु के अंतर्गत। पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का कारण आपको बताना है, क्यों शुष्कता रहती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा अरावली श्रेणी का मानसूनों के समांतर होना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में नहीं होती है। शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग किस राज्य को प्राप्त होता है, बताएगा, सबसे ज्यादा जो शीतकाल में बरसात होती है वो सबसे ज्यादा कहां होती है, ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसूनों से प्राप्त होता है, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वर्षा के दिनों की संख्या सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शीत ऋतु में भारत में सर्वाधिक वायुदाब कहां पर होता है, शीत ऋतु में सबसे अधिक वायुदाब, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मानसून का आगमन निम्न में से कब होता है, बताना होगा सही आंसर, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जून के प्रारंभ में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को निम्न में से क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा लू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में शीत ऋतु की अवधि है कब से कब तक शीत ऋतु रहती है? सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिसंबर से फरवरी तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में ग्रीष्म ऋतु की अवधि कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्च से मध्य जून तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार के मौसम विभाग के अनुसार भारत की जलवायु परिस्थितियों को कितने विभिन्न ऋतुओं में बांटा गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चार भागों में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में शीतकाल में बरसात होती है? बताना हो ये क्षेत्र आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने का प्रमुख कारण आपको बताना है। बताएगा कि उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक तापमान क्यों रहता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, सूर्य की किरणों का उत्तरी गोलार्ध में लंबित पड़ना, बिल्कुल सही है, समुद्र से दूरी भी है, प्रति चक्रवातों के कारण तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से जहां वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तन चलता है वहां है, सबसे अधिक परिवर्तन रहता है बरसात का, बताना होगा किस राज्य में? राजस्थान में, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहां से होती है? बताएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ये भूमध्य सागरों से होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा तापमान वाला राज्य कौन सा है? तो सब जानते हैं राजस्थान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस राज्य में सर्वाधिक बरसात होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय पहले स्थान पर आता है। भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, भारत में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा पवनों की दिशा में परिवर्तन। 25 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है किस महीने में? अक्टूबर और नवंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्न में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? केरल आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यही है, ये क्वेश्चन हो गया, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल वर्षा होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बताएगा भूमध्य सागरीय मानसूनों से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है? बताएगा राइट आंसर दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी पंजाब, कम बरसात होती है यहां पर इस क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, कॉपिन के अनुसार ई वर्ग की जलवायु कौन सी है? बताएगा ई वर्ग की जलवायु आपको पढ़ने को बहुत कम मिलती है, लेकिन बताना होगा ये कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय जलवायु, यानी कि जो ध्रुवों पर जलवायु पाई जाती है, ठंडी जलवायु पाई जाती है वहां पर, इसको कॉपिन ने ई वर्ग की जलवायु के संदर्भ में रखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस जलवायु में वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है? बताएगा राइट आंसर दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि शुष्क जलवायु, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपिन ने जलवायु का सर्वप्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, कब किया था? इसका सही आंसर दीजिएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1900 में। अगला क्वेश्चन, जलवायु के वर्गीकरण का आधार नहीं है वर्षा, तापमान, बादल या फिर पवन? आपका राइट आंसर हो जाएगा बादल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉपिन था एक प्रसिद्ध, बताना होगा कॉपिन कौन था? भूगर्भ शास्त्री, वनस्पति शास्त्री, जीव वैज्ञानिक, जलवायु विज्ञानवेत्ता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु वैज्ञानिक था ये, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉपिन के जलवायु विभाजन में भारत में मिलने वाली जलवायु है कौन सी है? बताइएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी है।
अगला क्वेश्चन दिखेगा, निम्नलिखित में से किस समुच्चय के राज्य में वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम तापांतर कहां मिलता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर समुद्री तटीय भागों पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पवन चलती है कहां से कहां तक चलती है, बताएगा शीत ऋतु में, मैंने अभी आपको बताया था। आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थल से जल की ओर चलती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ग्रीष्म ऋतु में आपको पता है किधर से किधर चलती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। वर्षा ऋतु में कहां से कहां तक चलती है, यह भी आपको बताना चाहिए। वर्षा ऋतु में यानी कि जल से समुद्र से स्थल की ओर चलती है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना दोस्तों। यहां पर ये आपका जलवायु से संबंधित पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर थे मैंने आपको पहले पहले बताए थे, उनको भी आपको रटना है दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो देखते हैं, वो कौन से वीडियो आने वाला है दोस्तों, यहां पर जहां से सबसे ज्यादा सेकंड ग्रेड में पूछे गए क्वेश्चन है वो चैप्टर मैं सबसे पहले आपको कवर करवाऊंगा यहां पर।